हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संगीता और आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूं दोस्तों आपके सामने। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में कि कभी समझ में नहीं आता है कि क्या सब्ज़ी बनाए, तो जब कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आए तो ये रेसिपी, ये सब्ज़ी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। इसको बहुत जगह पर बहुत सारे नामों से जानते हैं, आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वैसे मैं इसको अभी चना दाल की सब्ज़ी ही बताऊँगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरे सारे नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कप चना दाल लिया है जिसको मैंने 4-5 घंटे पानी में अच्छे से भिगो लिया था, अच्छे से फूल जाए चना दाल, उसके बाद ही इसको लेना है। तो इसको भिगोने के बाद मैं एक ग्राइंडर में मैंने इसको ले लिया है, एक मिर्ची और थोड़ा सा अदरक के टुकड़ा के साथ मैं इसमें आधा गिलास थोड़ा पानी डाल के और इसका मैं अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी, फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें हम लोग अब सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, और ये मिक्स मसाला 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, और नमक टेस्ट का अनुसार। नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में डालने के बाद फिर ज़्यादा हो जाएगा। और 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और धनिया पत्ता थोड़ा बारीक कटा हुआ, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल के उसको गरम होने के लिए छोड़ दूँगी, और गरम होने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दें। उसके बाद ये जो दाल का पेस्ट है इसको डालेंगे, फ्लेम हाई नहीं रखिएगा नहीं तो ये हमारा जल जाएगा और फैलाने से पहले ही। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे एकदम फैला लेना है इक्वली चारों तरफ, कहीं मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, चारों तरफ इसका बेस जो है वो एकदम इक्वल होना चाहिए। यदि आपको चम्मच से परेशानी हो रहा है तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, बाकी ये चम्मच से भी बहुत इजी वे में हो जाता है। तो इसको अच्छा सा शेप दे देंगे चारों तरफ फैला के हल्के हाथों में, और ध्यान रहे मीडियम एकदम लो रखेंगे गैस का। यहाँ मैं थोड़ा हाथ से भी कर दे रही हूँ इक्वली कि कहीं मोटा या कहीं पतला ना हो जाए, चारों तरफ इक्वली फैल जाए जो दाल है हमारा। तो ये बिल्कुल अच्छा से फैल गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से तेल डाल दूँगी ताकि ये अच्छा से पक जाए, और यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है थोड़ा सा बढ़ा दूँगी, एकदम हाई भी नहीं रखना, मीडियम और लो के बीच में रखना फ्लेम को। और यहाँ देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है, 5 से इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, जल्दी आप पलटने का जल्दीबाजी नहीं करें नहीं तो वो टूट सकता है। तो 5 से 7 मिनट के बाद इसको हम लोग एक बार फ्लिप कर लेंगे और फिर तेल डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद फिर इसको हम लोग पलट लेंगे, इस तरह उठा के रख कर देंगे ताकि जो तेल है हमारा बीच में भी चला जाए और अच्छा किनारे भी और बीच में अच्छा से पक जाए, और इसका कलर चेंज होने तक इसको हम लोग पका लेंगे फ्लिप कर करके। दोनों साइड अच्छे से पलटते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। देखिए तो यहाँ हमारा बिल्कुल रेडी है, इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो इसको अब हम लोग एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद ही उसको हम लोग को कट करना है। तब तक मैं यहाँ उसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। उसके लिए एक कढ़ाई गर्म करके मैंने यहाँ पर सरसों का तेल 2 से 3 चम्मच मैंने डाल लिया, और इसमें फिर एक तेल गर्म होने के बाद 1 तेज़पत्ता और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, और जीरा अच्छा से तड़क जाए उसके बाद मैं यहाँ पे 1 बड़ा प्याज का पेस्ट बना के रखी हूँ, आप चाहे तो बारीक काट के भी ले सकते हैं। तो उसको डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भून लेंगे, और जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम लोग जो उसका चना दाल का बना के रखे थे तवा पे उसको हम लोग काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, याद रखें ठंडा होने के बाद ही इसको कट करना है, गर्म में कट नहीं करेंगे नहीं तो ये टूट भी सकता है। तो इसको आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं, या तो बर्फ़ी या स्क्वायर कोई भी शेप इसको दे सकते हैं, ये बहुत इजी वे में कट जाता है। तो इस तरह से मैं इसको काट लूँगी स्क्वायर शेप में। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनता है इसका सब्ज़ी, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है, बिल्कुल हमारे जो रेगुलर सब्जियों का टेस्ट है उससे बिल्कुल हटके होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ देखिए प्याज भून गया है लगभग, तो इसके बाद फिर हम लोग इसमें 1 अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया था,
तो यहाँ मैं 2 चम्मच ये पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छा से भून लेंगे। इसके बाद इसमें अब हम लोग सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में मैं यहाँ पे सबसे पहले डालूँगी हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और यहाँ पे मैं मिक्स मसाला जो ऑल इन वन मसाला है, इस मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी, एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना वहाँ से। और ये 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक का ध्यान रखें हम लोग ऑलरेडी दाल में डाल चुके हैं तो उसके अनुसार से ही नमक डालेंगे। आपके पास ये मसाला नहीं है तो इसके जगह आप धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर यूज कर सकते हैं। और ये मसाला को अच्छा से हम लोग भून लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं, और पानी डालने के बाद इसको हम लोग अच्छे से 5 से 10 मिनट तक अच्छा मसाला भून लेंगे तेल हमारा अलग होने तक। तो देखिए यहाँ मसाला हमारा लगभग भून चुका है। इस स्टेज पे हम लोग यहाँ पे 1 टमाटर का प्यूरी मैंने बना लिया है उसको भी डाल देंगे। आप टमाटर को बारीक काट के डाल सकते हैं, प्याज को भी बारीक काट के डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पीसना यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग मसालों को अच्छे से भूनने के बाद देखिए मसाला यहाँ पे तेल छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे जो चना दाल का हम लोग पीसेस बना के रखे थे उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे और सबको मसालों के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे 1/2 गिलास पानी डालूँगी और इसको मिला लेंगे, और जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप अपना पानी डाल लें। मैं यहाँ पे लगभग 1 गिलास पानी डाली हूँ, 1/2 गिलास पानी मैंने उस टाइम डाला था, थोड़ा सा पानी और डाला तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब भी करता है, ये जो चना दाल है वो पानी सोखता भी है, तो उसके हिसाब से आप पानी डाल लें। तो यहाँ देखिए 5 से 10 मिनट उबालने के बाद यहाँ पे जो हमारा चना दाल का सब्जी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी है, जितना मुझे चाहिए उतना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल दूँगी लास्ट में, और यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पे ढक देती हूँ। तो यहाँ हमारा सब्जी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।